स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए बहुत सस्ते मकान लेकर आएंगे जल्द ही। कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो चाहते थे कि हम सस्ता सस्ता मकान लेके आएं, तो ये बहुत ही सस्ते मकान है और इससे सस्ता मकान आपको इस एरिया में आलमबाग के आसपास नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये मकान 15.5x28 में बना हुआ है। 15.5 फुट फ्रंट है, 28 फुट गहरान है इसका, कुल 435 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और ये जो है, इसकी जो कीमत रखी गई है मात्र 14 लाख रुपए रखी गई है और इस पर भी नेगोशिएशन अलाउ रहेगा। अब हम आपको मकान के बारे में बता देते हैं, जो आसपास लोकेशन है लोकलिटी बता देते हैं। ये आलमबाग अवध चौराहे से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और जो है ये जो है हाईवे से इस मकान की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है, जो हरदोई बाईपास है, जो पुरानी पारा चौकी थी उसके सामने जो SBN स्कूल वाला रास्ता आ रहा है उस पर ये हंसकड़ा चौराहे के पास मकान पड़ता है। मेन रोड से जो ये हंसकड़ा चौराहे की जो मेन रोड है उस रोड से इस मकान की दूरी मात्र 300 मीटर है, 300 से कम है, 300 मैक्सिमम दूरी बताई जा रही है आपको। और सामने जो है रोड जो है बनी हुई है, लगभग 20 फुट की रोड है जो अंदर आ रही है और जो मकान के सामने की रोड है वो 11 फुट की रोड है। और स्कूल कॉलेज यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको अगल बगल मिल जाएंगी। यहीं पे थोड़ी लगभग 300 से 350 मीटर की दूरी पे SBN स्कूल है और पेट्रोल टंकी बगल है। आपको मतलब कि सारी सुविधाएं शहर के जो होती हैं वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बिजली पानी सब कुछ यहाँ पे समरसिबल लगा हुआ है और क्योंकि मेन बस्ती के बीच में है तो यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपको। बाकी हम आपको मकान अभी चलते हैं दिखाएंगे ही, पूरा मकान दिखा देते हैं, सारी जानकारी मकान के साथ साथ में दे देते हैं। प्राइस हमने आपको बता ही दिया, इसका 14 लाख रुपए रखा गया है। और दोस्तों, ये 3 ही मकान है, इसलिए जल्दी करें, जितना जल्दी से जल्दी आप इस पर आएंगे, क्योंकि फिर बाद में ये मकान मिल नहीं पाएगा। 3 ही लोगों को हम ये मकान दे पाएंगे, उससे ज़्यादा हमारे पास अभी नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो हम आगे और भी मकान इस बजट के बनाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो ये 3 ही मकान है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। ये लोहे का मजबूत गेट जो कि 5.5 फुट ये चौड़ा है और 7.5 फुट लंबा है। और यहाँ आप जब अंदर आते हैं, आइए अंदर आइए और जरा ये स्पेस दिखाइए। यहाँ पे आप चाहे तो अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं सामने, और यहाँ पर एक गेस्ट वेस्ट अगर चाहें तो उसको रख सकते हैं। ऊपर मुंडी बनी हुई है, पानी वानी यहाँ नहीं आएगा। और जो है ये स्पेस आपका 15.5x10 का है और ये जीने के नीचे आप चाहें तो स्टोर रूम या इन्वर्टर का स्पेस यहाँ पे बना सकते हैं। और ये सीढ़ी, इसमें रेलिंग लगेगी लोहे की और यहाँ पे ये पूरा अभी कंप्लीट नहीं है, कच्चा किया गया है। इस पर टाइल्स आपको लगा के दी जाएगी, सामने जो है रोड भी आपको वहां पे टाइल्स लगा के दी जाएगी। आइए अंदर चलते हैं। अब आइए हम आपको ये बेडरूम दिखाते हैं। ये बेडरूम है और जो है ये भी 15.5x10 का है, काफी लंबा चौड़ा, छोटे से मकान में इतना बड़ा आपको बेडरूम मिल रहा है। और इसमें एक बड़ी सी ये आपकी लोहे की खिड़की है, जबकि चाहे तो आप यहाँ बाहर से कूलर लगा सकते हैं, इस तरह इसको बनाया गया है। और ये देखिए वायरिंग वायरिंग सब हुई है, सारे ओरिजिनल इसमें वायर वायर सब डाले गए हैं, पूरा इसमें मॉडर्न बोर्ड लगेगा। और ये देखिए आपको छत में POP की डिजाइनिंग है और ये कलर आप जैसा चाहेंगे वैसा करा दिया जाएगा।
और इसी बेडरूम से लगा हुआ आपको यहाँ पर किचन मिल जाता है। किचन ये आपका सिंपल रहेगा और ये जो आपका एरिया है इस पर स्लाइडिंग डोर लगेगा। ये 8x6.5 का बना हुआ है। दिखाइए स्पेस, दिखा दीजिए। यहाँ पे आपका सिंक लगेगा, तो यहाँ पे आप चाहे या इधर रखें अपना चूल्हा, चाहे इधर रखें। और ये एक विंडो दे दी गई, इसी के बगल आपका ओटीएस है। यहाँ पे भी आपको छत में पीओपी की डिजाइन मिल जाती है। ये आपका ओटीएस है। और ये वॉशरूम रहेगा 8x6x5 का बना हुआ है और ये इंडियन स्टाइल में बनेगा। ऊपर सब टैब वो सब लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको शावर और सब लग के मिलेगा। इसमें भी पूरी इस ऊंचाई तक, आइए दिखा लेते हैं, इस ऊंचाई तक इसमें टाइल्स लगेगी। और ये देखिए पूरा, ये काफी स्पेसियस है। खड़े होने पे के बाद में आपको दिख रहा होगा कि ये बाथरूम काफी स्पेसियस बना है। छोटे से जिस हिसाब से मकान है उस तरह काफी जगह निकाली गई है। और यहाँ पर ये आपको चैम्बर मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे आप चाहें, एक यहाँ पे टैब दे दिया गया है, यहाँ पे आप अपने वॉशिंग मशीन या कुछ और भी लगा सकते हैं। और धुलने उलने के कपड़े वपड़े धुलने के लिए भी ये जगह आपका यूज में आ जाएगी। यहाँ पे आपको लोहे का दरवाजा लगा है और यहाँ पे आपको दरवाजा लगा दिया जाएगा। चौखट लगी है। अब आइए ऊपर ले चलते हैं। इसमें देखिए सुरक्षा की दृष्टि से लोहे का मजबूत दरवाजा लगाया गया है। लगभग 3.5 फुट चौड़ा है दरवाजा। अब इससे कोई भी सामान लेके ऊपर आ सकते हैं। ये बालकनी है, सामने का नजारा दिखा दीजिए। सभी घर बने हुए हैं। ऊपर भी आपको एक वॉशरूम मिल जा रहा है पूरा कंप्लीट। ये भी उतना ही साइज है जो नीचे साइज था, 6x5 का। यहाँ पे आपको वेस्टर्न सीट लग के मिलेगी। और ये पिलर, इतने इतने पिलर यहाँ पे उठे हुए हैं। आप चाहें तो इस पर 6 फुट और उठाइए, उसके बाद में अपना छत डलवाइए, बाकी इस पर कंप्लीट कराइए। और जो है ये देखिए सारे सारे पिलर उठे हुए हैं। आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे अगर चाहें तो इन्वेस्ट करेंगे, आपका ऊपर भी एक कमरा और ये जो नीचे की जगह है वो पूरा हो जाएगा। तो बाकी जानकारी आपको वीडियो के शुरू में दे ही दी गई है। और यहाँ पर बस्ती है, आप यहाँ पर तुरंत रहना शुरू कर सकते हैं। और नमस्कार, फिर आगे वीडियो में मुलाकात होगी।